जिंदगी में पहली बार ऐसी मजा मिली। और क्या मैं देख रहा हूँ, शेरशाला बेवशे में पड़ा हुआ है। शेर जी, चुप रहा, बोला जी नहीं यार, बहुत मजा आए, बहुत मजा आए, इतनी मजा आए, इतनी मजा आए कि जना हम गया गजाधर के लौटा हो और सोचे थे अब करी ही जेठ में भात के जाए छुट्टी मिल गया है। शेर जी, हाँ आपका मालूम नहीं इस वक्त लड़की चीखर चिल्ला रही है, अगर यहाँ से जाएगी टोला और मोहल्ला में हाँ। हमारा आपका नाम बताएगी, यही गांव यही टोला मोहल्ला हाँ। एक दिन हमें आपको कहीं पर खड़ा नहीं होने देंगे, खड़ा ही नहीं, हमारे आपके मुंह में कालिक पोती जाएगी कालिक, यहाँ पर गया गजाधर के चक्कर में पड़े हो। हाँ हो, बात तो सही कहा था, हम गए गजाधर के चक्कर में पड़ाए, सही कहा था, अगर लड़की गांव गांव घूम करके हमारी और तुम्हारी बुराई कर दिया कि राम नगीना और शेर सुरमा भोपाल ने मेरी इज्जत लूट लिया तो केहू दुआरे खड़ा ना हो पाऊ, लगी लाठी खदे लेंगे, मारा नाम दोनों का हथियार है सारे, पतरी ने हरियर पतरी ने देखे मिले, हरियर पतरी तो ऐसे गायब हो गए बम्फर सिस्टम में, कहू बम्फर सिस्टम में कहू कब्जे वाली पतरी ने देखे मिले, हमारा तो हर बड़ी बुराई हो जाए, जानते हो न हमारी तुम्हारी बुराई होगी न कुछ होगा, मेरा नाम शेर सुरमा भोपाली है और सौ खोपड़ी को पीट कर एक खोपड़ी बनाई गई शेर सुरमा भोपाली जी की, ऐसा दिमाग लगाऊंगा न उस दुनिया में रहेगी न तो किसी से कहेगी, पहले उसको यहाँ ले आओ तो मैं बताता हूँ क्या करना, इस वक्त जा रहा हूँ। सारी औकात मिट्टी में मिल गई, सारी पड़के की तरह फड़ फड़ आ रहे, हम लोगों को कहा नहीं मार रही थी, जहूर की बकरी की तरह बटूर गई। सेठ जी, अब मुझे जाने दीजिए ना सेठ जी, अब मेरे पास बच्चा क्या है, सब कुछ तो ले लिए सेठ जी। क्या करे कि मुझे जाने दो, ईद के त्योहार मनाने के लिए परेशान है ना। हाँ सेठ जी। अरे आमिना, आज मैं तुझे उस जगह भेजूंगा कि जहाँ तू सारी जिंदगी ईद का त्योहार शौक से मना। राम नगीना जी, नहीं सेठ जी ऐसे मत करिए सेठ जी, अगर तू दुनिया में रहेगी तो घूम घूम हमारी और राम नगीना की बुराई करेगी, हम लोग समाज मुंह दिखाने कभी नहीं रहे, क्या देख रहे हो, इसका काम तमाम कर दो, इस दुनिया में नहीं रहे। शेर जी, हमने तो अपना काम कर दिया, ये लीजिए तुम भी अपने काम को पूरा कीजिए। अब साली यही तड़प तड़प के मर जाएगी, अपना दम तोड़ देगी और हम लोग कानून से बच जाएंगे। ऐसे कैसे बच जाएंगे सर जी, क्या याद रखिए, अगर खून को करते हुए किसी ने देख लिया होगा तो ये बात थाने जाएगी, थाने से अदालत जाएगी, अदालत से कोर्ट जाएगी, एक दिन यही अदालत कोर्ट हमें आपको फांसी की सजा देगी, हमारे आपके गले में फांसी का फंदा होगा सर जी। तू यार एक ने एक झाम फसाइन दे था, क्या था ये बात, थाने तक जाएगी, थाने से हम लोग कोर्ट जाएंगे, फिर जेल चले जाएंगे, हाँ क्यों परेशान हो, जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, जानते हो अपने आलमनगर में एक नए नए स्वेटर आए हुए हैं, सलमान खान साहब, हाँ सलमान खान से मुझसे बहुत अच्छी तरह से जमती है, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं भी फोन लगा करके इस घटना की जानकारी उन्हें देता हूँ,
और उनको अपनी बातों में ऐसे भरमाऊंगा कि हमारी बातों पे विश्वास करेंगे और हम लोग कानून से बच जाएंगे। देरी मत कीजिए सेठ जी, तुरंत दरोगा के पास फोन लगाइए। तुरंत फोन लगा रहा हूं। घंटी तो जा रही है। हेलो। हाँ कौन? आप कौन बोल रहे हैं? अरे फोन कहाँ लगाया यार? आलमनगर थाने में। हाँ तो मैं इंस्पेक्टर सलमान खान बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते सर। नमस्ते। साहब आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, मैं भी आपके हलके आलमनगर से बोल रहा हूँ। हाँ? आपके हलके आलमनगर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ तो नाम बताओ। साहब क्या बताऊँ साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज ईद के त्योहार है साहब। अरे ईद का त्योहार है, पहले नाम बताओ। साहब मेरा नाम से 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 सेठ सुर 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 भो 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 भोसड़ी वाले। क्या नाम बोलता है एक बार में बता। साहब क्या बताऊं साहब, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा, मेरे तो आवाज नहीं निकल रही साहब। आवाज नहीं निकली, साफ साफ बताना, डरो मत। मेरा नाम है सेठ सुरमा भोपाली। ओह सेठ सुरमा भोपाली। हाँ साहब। हाँ बताओ। साहब आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज ईद का त्योहार है ना साहब। हाँ हाँ ईद का त्योहार इसी आपके आलमनगर इलाके में साहब। यहाँ पे अहमद नाम का एक बहुत गरीब इंसान है साहब। अच्छा अच्छा। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम आमिना था साहब। तो आज त्योहार के दिन ना जाने क्या बात हुई साहब, भाई बहन में ना जाने क्यों झगड़ा हुआ साहब। अच्छा। अहमद गुस्से में आकर के अपनी बहन को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला साहब। अच्छा। और आप तुरंत पहुंचिए साहब, नहीं अपने बहन को लेकर कब्रिस्तान में दफनाना। अच्छा ये बताओ तुमको कैसे मालूम कि वो मार डाला? अरे साहब। हाँ? मुझे बुलाया था अपने घर। अच्छा। कि सेठ जी आना तो आओ ईद के दिन, मैं आपको सेवई पिलाऊंगा। मैं जा रहा था साहब। हाँ? जब थोड़ी दूर उसका घर रह गया। हाँ? जब वहाँ आवाज आ रही थी साहब, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ? जब वहाँ मैंने नजारा देखा साहब, तो मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी साहब। अच्छा। हाँ साहब, मैं दबे पाओ सीधे पीछे वापस चला। वापस आ गए। हाँ साहब। ये बताओ हाँ और कोई है तुम्हारे साथ में? हाँ साहब। आप बात कराओ। हेलो नमस्कार सर। हेलो। हाँ नाम बोलो। सर वैसे तो मेरा नाम लोग मुझे रामनगीना के नाम से जानते हैं। हाँ रामनगीना जी। साहब शेर जी ने जितनी बात को कहा वो सारी बात हकीकत है। अच्छा अच्छा। आप जल्द से जल्द आइए और हराम खोर सारे अहमदवा को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो अपनी बहन की लाश को ले जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ, और कब्रिस्तान में ले जाकर उसकी लाश को दफना देगा साहब। नहीं तुम लोग नजर बनाए रखना, अहमदवा भागने ना पाए, हम फोर्स लेके तुरंत पहुंच रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर। रख के तुम्हारा काम बन गया। बन गया काम। लेकिन अभी क्या देखे? अरे अब क्या रह गया? अभी और काम बनेगा। अरे अब कौन सा काम बाकी रह गया? चलो हम तुम उसी रास्ते में बैठेंगे जिधर से साहब आएंगे। जब साहब आने लगेंगे ना तो साहब को साथ में लिखवा कर यहाँ तक आएंगे, तो साहब को और विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने सोचा शेर जी। चलिए वक्त रास्ते में इंतजार करते हैं। बोलो। आप जानना चाहते हो भाई? हाँ यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरी किसने किया है? हाँ बोलो। सेठ सुरमा भोपाली और राम नगीना ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे चाकू से गोद गोद कर मारा है भाई। ये क्या कर अमीना? आज ठीक ईद के दिन उन्हें ईद बना दिया भाई जान। मैं चाहती हूँ कि इस अपमान का बदला आप जरूर चुकाना भाई। हाँ जान। लेकिन मैं तुझे चल पहले हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं भाई जान। हो जाएगी अब
मुझे कुछ नहीं होने वाला है भाईजान। अब ये तुम्हारी बहन ये दुनिया छोड़कर जा रही है भाईजान। खुदा आप ही आज इसके त्योहार के दिन तूने मेरे अमीना को मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन नहीं नहीं आराम कौर सेठ सुरमा भोपाली और राम नगीना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे पहले अपने बहन का कफन दफन करूंगा, इसके बाद मैं तुरंत उससे मुलाकात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। देख लिया चौकीदार, आओ चौकीदार, देख रहा हूँ बहुत ज्यादा खून निकल चुका है, जाए लाश को उठाओ और गाड़ी पे लाद के थाने पहुंचाओ। ठीक है साहब। इतना ब्लड निकाल दे थे। ऐसा है, अब आप दोनों जन चलो, हम जरूर समझेंगे तो बयान के लिए आपको बुला लेंगे। ठीक है ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ठीक है।
ये सारी बातें गलत है साहब। मैं जैसे देखा मेरी बैल खून से लथपथ तड़फड़ा रही थी, जब मैंने अपने हाथों पे उसे उठाया तो उसने बताया कि भाई सुरमा भोपाली और राम नगीना ने मेरी आबरू को लूट ली और मेरे पेट में चाकू घोच घोच कर यही बताकर वो मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। सेठ सुरमा भोपाली और रामनगीना अगर ऐसे होते तो ले आके हमें तुम्हारे घर पहुंचाते, कब्रस्तान तक पहुंचाया उन लोगों ने, इसलिए वो लोग गलत नहीं है। चौकीदार लगा हाथ कड़ी। साहब सेठ सुरमा भोपाली और डॉक्टर राम नगीना यही दोनों है साहब? हाँ हाँ यही दोनों थे जो मुझे पहुंचाया यहाँ तक। ठीक है साहब, कम से कम इन दोनों को मैंने शकल तो देख लिया। अब इस दुनिया में क्या है मेरे पास? सस्ती राघवानी जी, ये हमारी पार्टी में बड़ी सुंदर कलाकार हैं और ये हमारे सस्ती भाई आ गए हमारे प्रामाणी। ए भाई